उत्तराखंड के नैनीताल जनपद को बम ब्लास्ट से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को आज पुलिस ने आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। बम ब्लास्ट की धमकी की जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिदीन ली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना एसटीएफ के अधीन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तराखंड देहरादून को स्थानांतरित की गई थी। एसपी ने बताया कि अभी पूछताछ जारी है, हालांकि अभी इसका किसी भी संगठन से जुड़े होने का कोई सबूत नहीं मिला है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। तो ये प्रकाश में आया कि ये नितिन शर्मा है जो कि दिल्ली का रहने वाला है और इसने जो है यहाँ धमकी दी है। इसके बाद नितिन शर्मा के बारे में और भी जानकारी जुटाई गई तो ये इस तरह का व्यक्ति कि जो जिसने इस्लाम ग्रहण किया और खालिद बताता है अपने आप को, और ये इस तरह से घूमता रहता है आवारा टाइप का और मस्जिदों से जैसे पैसा भी कलेक्शन करता है अपने खाने पीने के लिए और बाकी अन्य चीज़ों के लिए। तो इसने ये धमकी दी थी और फिर इसकी अरेस्टिंग अभी साइबर थाना देहरादून द्वारा की गई।